Hello friends, I am Tanya and welcome back to Tanya's Kitchen Channel. Happy New Year friends. 2018 में आज मेरा first video है. आज मैं बनाऊंगी तिल मावा पेड़ा. तो इसके लिए जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं तिल मावा पेड़ा बनाने. इसके लिए मुझे चाहिए होगा तिल मावा पेड़ा. बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम तिल. सफ़ेद तिल को यूज़ किया है यहाँ पर मैंने. 100 ग्राम मैंने मावा ले रखा है. 150 ग्राम मैंने पिसी हुई बारीक चीनी ले रखी है. और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम सूजी लिया है. कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने काजू और बादाम का यूज़ किया. आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करिएगा. तिल मावा अब पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मुझे तिल को भूनना होगा. इसके लिए हम चलते हैं गैस की तरफ. इसको भूनने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई रखी. इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे. जब ये गर्म हो जाएगी तो हम इसमें तिल डालेंगे. गर्म हो गई है अब हम इसमें तिल डालेंगे. और इसको भूनेंगे. ये देखिए हमें इस तरह से भूनना है. हम इसको इसी तरह से 5 मिनट तक भूनेंगे लो फ्लेम पर. पाँच मिनट हो गए हैं. ये देखिए हमारा तिल अच्छे से भुन गया है. अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे. तो मैं निकाल लिया. ये जब तक ठंडा होगा तब तक हम सूजी को भूनेंगे. और ये ठंडा होने के बाद हम इसको दरदरा पीस लेंगे. तो हम अब सूजी को भूनने के लिए चलते हैं. हमारे तिल ठंडे हो गए. हम इसको एक ब्लेंडिंग जार में निकाल लिया है और इसको दरदरा पीस लेंगे अब हम. ये देखिए हमने अपने तिल को भून के दरदरा पीस लिया है. ये हमने मावा लिया है. इसको हमने मैश कर लिया है और अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे. इसी में जो मैंने दरदरा पिसा हुआ हमारा तिल था इसको इसी में डाल देंगे. इसी में और इसी में हम सूजी डाल देंगे जो हमने सूजी को भून लिया था. इन तीनों को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे इस तरह से. इन तीनों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आने लगे. मिनट तक इसी तरह से भूना है. इसमें से खुशबू आने लगी है. हम गैस को बंद कर देंगे
और इसे ठंडा होने के बाद इसमें चीनी को मिलाएंगे, पिसी हुई चीनी को। ये ठंडा हो गया है मिक्सर, अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। और इसको मिलाएंगे। ये देखिए मैंने इसको हाथों से अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। हमारा मिक्सचर तैयार है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के लिए हम थोड़ा से इसे लेंगे इस तरह से और हल्की पीली पे रखें। इसके पेड़े बनाएंगे, ये देखिए। ये बन गया है। अब हम इसमें बीच में काजू लगा देंगे इस तरह से। बादाम, ये देखिए हमारा एक पेड़ा बनके तैयार हो गया है। हम इसे एक बर्तन में रखते हैं। इसी तरह से हम और बना लेंगे पेड़े को, थोड़ा सा लेंगे। हमारी इसी तरह से ये मैंने बना ले रही हूँ। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। देखिए इसी तरह से मैंने सारे अपने पेड़े बना लिए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे तिल मावा पेड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।